हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुपम क्रिएशंस। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सिंगल कलर की डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ, जिसको कि बनाने के लिए जो हम फंदे डालेंगे वो 4K मल्टीपल्स में डालेंगे और 2 फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे। ये 4 रो की डिज़ाइन है और बहुत ही सरल डिज़ाइन है। यहाँ मैंने 14 फंदे डाले हैं, 2 रो का बॉर्डर बिना है, जो कि दोनों ओर से सीधे सीधे फंदों से बनाया गया है। फ्रेंड्स, डिज़ाइन शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको मेरे वीडियो सबसे पहले मिल सके। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलें और इसको अपने साथियों के साथ शेयर करें। अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू कर रहे हैं। डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो कि राइट साइड से है, पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। आप चाहें तो इस फंदे को सीधा बुन सकती हैं। इसके बाद एक फंदा हम सीधा बुनेंगे और इसके बाद सिलाई पर 2 बार इस तरह से ऊन लपेटेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर सिलाई पर 1 बार इस तरह से ऊन लपेटेंगे, फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। सिलाई पर 2 बार ऊन लपेटना है और एक फंदा सीधा बनना है। फिर सिलाई पर ऊन लपेटेंगे और एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर सिलाई पर ऊन लपेटेंगे 2 बार और एक फंदा सीधा बनाएंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। डिजाइन की फर्स्ट रो जो कि राइट साइड से है। अब हम डिज़ाइन की सेकंड रो पर हैं, जो कि बैक साइड से है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, इसके बाद जो ये लपेटे फंदे हैं इनको इस तरह से खोल लेंगे और इस फंदे को, जो बुना हुआ फंदा है, उसको इस तरह से लंबा कर लेंगे। फिर लपेटे हुए फंदों को इस तरह से खोल करके बुने हुए फंदे को लंबा कर लेंगे। इस तरह से हम 4 फंदे ले लेंगे। ये 3 हो गए, ये 3 हो गए और इसके बाद ये 4 फंदे हो गए। इन 4 फंदों को फिर से हम पहली ही सिलाई पर कर देंगे। इस तरह से पहली सिलाई पर कर देंगे, उनको पीछे ले जाएंगे। ये पीछे है ऊन हमारा, ये इस तरह से पीछे कर लेंगे। अब ये 4थे और 5वें के बीच में जो गैप है, यहाँ पर सिलाई डाल करके 1 लूप ले लेंगे, ये इस तरह से। फिर ये जो 4 फंदे हैं, इनमें पीछे की तरफ से 1 लूप ले लेंगे। इस तरह से ये 4 से 2 फंदे बन गए। फिर जहाँ से हमने पहले लूप लिया था वहीं से फिर से 1 लूप लेंगे, तो ये हमारा हो गए 3 फंदे। और पीछे जहाँ से दूसरा लूप लिया था वहाँ पर फिर से सिलाई डाल करके 1 लूप लेंगे, तो ये हमारे 4 फंदे बन जाएंगे। ये 4 फंदे हमारे 4 फंदों से 4 फंदे बन गए हैं। फिर इसी तरह से हमें करना है, ये इस तरह से खोल करके 1 फंदा लिया, फिर 1 फंदा, इसके बाद इसी तरह से दोनों फंदे, दोनों लूप खोल करके लिए, ये जो लपेटे हुए फंदे हैं, फिर इसी तरह से 3रा फंदा लिया और ये 4था फंदा लिया। 4 फंदे लेकर के पहली सिलाई में फिर से इनको ये स्लिप कर लिया, ये 5 4 फंदे फिर से उसी सिलाई में ले लिए जिस सिलाई में थे। और फिर इन 4 रो 4थे और 5वें के बीच में जो गैप है, यहाँ पर सिलाई डाल करके एक लूप ले लिया। फिर ये 4 फंदों के पीछे से, ये 4 फंदे हैं इनके पीछे से 1 लूप ले लिया, तो 4 फंदों से 2 फंदे बन गए। फिर जहाँ से पहला लिया था वहीं पर सिलाई डाल करके 1 लूप ले लिया, ये 3रा फंदा हो गया लूप। और पीछे से जैसे लिया था दूसरा वाला, वैसे ही 4था लूप ले लिया। इस तरह से 4 लूप बन जाएंगे। पूरी रो हमें इसी तरह से बनानी है। हम डिजाइन की थर्ड रो पर हैं, जो कि राइट साइड से है। पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे और इसके बाद सारे फंदे हम सीधे सीधे बुन लेंगे। डिजाइन की थर्ड रो सीधे फंदों से बुनी जाएंगी। बहुत ही सरल रो है, पूरी रो सीधे सीधे फंदों से ही बुननी है। फर्स्ट रो और सेकंड रो में डिजाइन बननी है, थर्ड रो सीधे सीधे फंदों से बुनी जाएगी और फोर्थ रो जो कि बैक साइड से है वो उल्टे फंदों से बुनी जाएगी। अब हम डिजाइन की फोर्थ रो पर हैं, जो कि बैक साइड से है। पहला फंदा स्लिप करके सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बुनेंगे। पूरी रो हमें उल्टे उल्टे फंदों से बनानी है। ये पूरी रो हम उल्टे फंदों से बनाएंगे। फोर्थ रो बनाने के बाद हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये डिज़ाइन?
आशा करती हूँ आप सभी को ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छी लगी होगी। इस डिज़ाइन को आप किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में आसानी से डाल सकते हैं, जैसे कि आप इसे कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी, शॉल, फ्रॉक किसी में भी डाल सकती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ तक पहुँचने में आज तक आप सभी का काफ़ी सहयोग रहा है, आप सभी ने मुझे भरपूर प्यार भी दिया है। मैं चाहती हूँ कि आगे भी आपका ये सहयोग और प्यार बना रहे, जिससे कि मैं आपके लिए रोज़ ही एक नया और अच्छा वीडियो लेकर के आ सकूं। तो मेरा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।